नाज़रीन आप लोगों के लिए हम आज लाए हैं चित्राली ब्रेड और इसको हम खुद इसको नाम रखा है सिल्वर ब्रेड। तो ये हमारे खेलने के साथ भी ज़्यादातर वो होता है, लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये चित्राली ब्रेड के बारे में काफ़ी लोग चित्राल भूजा गिलगित जाता है, इधर आता है कराची में, मुझे मेरे से पूछते हैं कि भाई ये चित्राली ब्रेड कैसा बनता है। तो ये चित्राली ब्रेड का रेसिपी जो है आज मैं इंशाल्लाह ताला आज बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये डबल रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। और इसके अंदर आप गोश्त भी डाल सकते हैं, चीमा भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें मतलब एक इसमें आता है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम शुरू करेंगे और चैनल को लाइक करो, देखो मेरा सलवा यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए इस्तेमाल होगा पहले एक अंडा, तीन अंडा इसमें डाला है और एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी और एक कप दूध। ये लोग जो है इसको इतना सख्त बनाते हैं कि सख्त बनाने का कोई जरूरत नहीं है इसको, ये इतना नरम होना चाहिए। अटा जो है अभी देखो मैं इसको लग 15 से 18 मिनट में इसको रख दूंगा, रखने के बाद जो है इसको बहुत अपने जगह पर आ जाएगा। इसके बाद इसको डेक्ची में डालो, पवेल में डालो, वो आपका मर्जी है। जो चीज में थोड़ा सा तेल वैसे इस्तेमाल नाज़रीन बस हमारा आटा तैयार हो गया, अभी इसको बेक करना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लिया है, सलवा ब्रेड एक बार खाएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मजा आएगा और इसको जरूर बनाना है। कोशिश करो हर चीज घर में बनाओ, बाजार का चीज जो होते हैं मतलब कि वो अच्छे नहीं होते, बाजार का चीज में जो टेस्ट देते हैं ना ये लोग, हर चीज का अपना एक टेस्ट होता है। जो मजा घर का खाने में होता है, जो सफाई घर का खाने में होता है, जो जायका घर का खाने में होता है, वो बाजार का खाने में नहीं होता। खूबसूरती होता है, खूबसूरती आप घर में भी दे सकते हैं अपना खाने का, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। नाज़रीन हमारा ब्रेड तैयार है, अभी सलवा ब्रेड, अभी इसको मैं ओवन में रख दूंगा कम से कम 15 मिनट।
नाजरीन हमारा ब्रेड तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा सलवा और चित्राली ब्रेड है, ये तैयार हो गया। अभी इसका कटिंग